प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। कोरोना का इस कहर से ऑनलाइन कक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए हम एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं कि हमारे वीडियो को देखते रहें और ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठाते रहें। और वीडियो पार्ट नंबर 51 में हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 5.1 के एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, संख्याओं की निम्नलिखित अनुक्रमों के लिए निम्नलिखित अनुक्रमों के लिए समांतर श्रेणी होने की जांच करो। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें 4, 10, 16, 22, और इधर दूसरे क्वेश्चन है -2, -2, -2, -2। अब ये अनुक्रम जो है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, जब कोई भी अनुक्रम में प्रत्येक पद में सर्वांतर समान हो तो वो समांतर श्रेणी होती है। जब किसी भी अनुक्रम में संख्याओं के अनुक्रम में सर्वांतर डी सभी पदों में समान हो तो वो समांतर श्रेणी होती है, अंतर नहीं होती। तो इसके लिए हमें प्रत्येक पदों के बीच सर्वांतर ज्ञात करना होगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं पूर्व वीडियो में सर्वांतर ज्ञात करना। तो मैं सर्वांतर डी बराबर a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3 ज्ञात करते हैं। 10 - 6 = 4, इधर 16 - 10, इधर 22 - 16, यहाँ 6, यहाँ भी 6 शेष बचा और यहाँ भी 6 शेष बचा। तो दिए गए सभी पदों में सर्वांतर डी बराबर 6 समान है। अतः दिया गया अनुक्रम एपी है, अतः दिया गया अनुक्रम एपी है। ऐसे कुछ इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। मैं सर्वांतर डी बराबर 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, और इसमें 5 हैं तो a5 - a4 करके देखें, 2 - -2, -2 और -2, फिर a4 2 - -2 और a5 - 2 - 2,
इसमें आएगा 2 + 2, इसमें आएगा -4, इसमें 2 + 2 और इसमें आएगा -4, तो इनमें आ रहा है सर्वांतर, इसमें हो गया 4 और इसमें भी 4। पहले दोनों पदों में 4 सर्वांतर है, दूसरे दोनों पदों में दूसरे तीसरे में -4 है, तीसरे और चौथे में 4 है, और चौथे और पांचवें में सर्वांतर -4 है। ये सर्वांतर नहीं कह सकते इसे हम, जो सभी भी पदों में होता है अंतर उसे सर्वांतर कहते हैं। ये तो केवल दो दो पदों के बीच अंतर है, तो सभी पदों में सर्वांतर डी समान नहीं है। सभी पदों में सर्वांतर डी समान नहीं है, अतः दिए गए पद या दिया गया अनुक्रम एपी नहीं है। इस आधार पर हम प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन संख्या 3 के प्रश्न हल करेंगे और प्रश्नावली 5.1 को समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी होने की जांच कीजिए। संख्याओं की क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी होने की जांच करो। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। है तो इसके अगले 4 पद भी लिखिए, तो इसके अगले 4 पद भी लिखो। क्वेश्चन लेते हैं पहला, पहला क्वेश्चन है 2, 5/2, 3 और 7/2, ये अनुक्रम दिया है। और सब क्वेश्चन नंबर 2 में -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2, ये अनुक्रम दिया हुआ है। तो समांतर श्रेणी होने की जांच करने के लिए हमें सर्वांतर प्रत्येक पदों के बीच सर्वांतर ज्ञात करना होगा। तो मैं सर्वांतर डी बराबर a2 - a1, a3 - a2 और a4 - a3 करते हैं। तो 5/2
माइनस दो बटे एक कर लेते हैं, लघुत्तम ज्ञात करें, दो लघुत्तम आया, दो से दो को विभाजित किया एक बार, पाँच एकम पाँच, माइनस एक से दो को विभाजित किया दो बार, दो दूनी चार, तो पाँच में से चार को माइनस किया तो एक बटे दो सार्वंतर प्राप्त हुआ पहले और दूसरे पद में। ऐसे तीसरे दूसरे में ज्ञात करते हैं तो तीसरा पद तीन माइनस पाँच बटे दो, वही प्रक्रिया रहेगी। इसमें लघुत्तम आया है दो और एक से दो को विभाजित किया दो बार, दो गुणा तीन करते हैं तो छः, माइनस दो से दो को विभाजित किया एक बार, एक गुणा पाँच करते हैं तो पाँच, और यहाँ पर छः में से पाँच माइनस करेंगे एक बटे दो, और ए फोर माइनस ए थ्री करते हैं तो ये आता है सात बटे दो माइनस तीन बटे एक, लघुत्तम दो आया, दो से दो को विभाजित किया एक, एक गुणा सात किया तो सात, एक से दो को विभाजित किया दो बार, दो गुणा तीन करेंगे तो छः, सात माइनस छः एक बटे दो, तो सभी पदों में सार्वंतर डी, सभी पदों में सार्वंतर डी बराबर एक बटे दो समान है। अतः दी गई सूची एपी समांतर श्रेणी है, अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी है। अब इसके अगले चार पद ज्ञात करते हैं, तो अगले चार पद यानी ए फाइव बराबर ए फोर प्लस डी बराबर सात बटे दो प्लस एक बटे दो समान हरे, लघुत्तम दो, अंशों का योग करें एक, सात प्लस एक बड़ा सात और एक आठ बटे दो चार, पांचवा पद होगा चार। छठा पद देखें ए सिक्स बराबर ए फाइव प्लस डी, तो ये हो जाएगा आठ बटे दो प्लस एक बटे दो समान हरे, लघुत्तम दो, आठ प्लस एक बराबर नौ बटे दो। नौ को दो से विभाजित करें तो ये प्राप्त होगा चार सही एक बटे दो यानी नौ बटे दो, और ए सिक्स ए सेवन बराबर ए सिक्स प्लस डी, तो नौ बटे दो प्लस एक बटे दो, लघुत्तम वही दो, नौ प्लस एक दस बटे दो बराबर आएगा पाँच, और अंतिम आठवां पद एट ए एट बराबर ए सेवन प्लस डी, ए सेवन प्लस डी तो ए सेवन का मान है दस बटे दो प्लस एक बटे दो समान आ रहे, लघुत्तम दो, अंशों का योग करें दस प्लस एक ग्यारह बटे दो यानी पाँच से एक बटे दो, तो अगले चार पद हो गए इसके चार, चार से एक बटे दो पाँच और पाँच से एक बटे दो। और क्वेश्चन नंबर दो में लेते हैं, मैं सार्वंतर डी बराबर ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू और ए फोर माइनस ए थ्री, माइनस एक बटे दो माइनस एक बटे दो, माइनस एक बटे दो माइनस एक बटे दो,
और माइनस एक बटे दो माइनस माइनस एक बटे दो माइनस एक बटे दो प्लस एक बटे दो माइनस एक बटे दो प्लस एक बटे दो और माइनस एक बटे दो प्लस एक बटे दो जीरो। सब में सार्वंतर आया जीरो क्योंकि प्लस माइनस का एक बटे दो जब हम कहेंगे योग करेंगे या घटाएंगे इनका बैलेंस निकालेंगे तो जीरो बैलेंस प्राप्त होगा। तो सभी पदों में सार्वंतर डी बराबर सभी पदों में सार्वंतर डी बराबर जीरो समान है। अतः दिए गए पद एपी में हैं, अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी है, अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी है। तो अगले चार पद निकालते हैं। अगले चार पद यानी ए फाइव बराबर ए फोर प्लस डी, ए फोर का मान माइनस एक बटे दो प्लस जीरो बराबर भी माइनस एक बटे दो ही आएगा, ए सिक्स बराबर ए फाइव प्लस डी माइनस एक बटे दो प्लस जीरो तो भी माइनस एक बटे दो ही आएगा, ए सेवन बराबर ए सिक्स प्लस डी माइनस एक बटे दो प्लस जीरो तो भी माइनस एक बटे दो ही आएगा, और ए एट बराबर ए सेवन प्लस डी माइनस एक बटे दो प्लस जीरो तो भी माइनस एक बटे दो ही आएगा। तो अगले चार पद हो गए माइनस एक बटे दो माइनस एक बटे दो माइनस एक बटे दो और माइनस एक बटे दो, ये अगले चार पद प्राप्त होंगे। इस प्रकार से समांतर श्रेणी होने की जांच करते हुए और समांतर श्रेणी का हम सार्वंतर ज्ञात करते हुए अगले चार पद ज्ञात कर रहे हैं। इसी प्रकार हमें अन्य क्वेश्चनों को भी लेना है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन है, ए ए स्क्वायर ए थ्री और ए फोर। तो इसमें सार्वंतर निकालें, मैं सार्वंतर डी बराबर ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू ए फोर माइनस ए थ्री करें तो यह आएगा ए स्क्वायर माइनस ए और ए थ्री माइनस ए स्क्वायर और ए फोर माइनस ए थ्री। ये जो पद हैं ये विजातीय पद हैं और हमेशा प्लस माइनस का जो परिणाम निकलता है वो सहजातीय पदों के अंतर्गत निकलता है। इनकी घाते समान नहीं है इसलिए ये पद विजातीय पद हैं। इनका ना कोई प्लस होगा ना कोई माइनस होगा, इनका कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, ये ही इनका अंतिम बैलेंस माना जाएगा। तो सभी पदों में सार्वंतर डी समान नहीं है अतः दी गई सूची एपी में नहीं है।
अतः दी गई सूची एपी यानी समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन चार लेते हैं। अंडर रूट तीन पहले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच, तो क्वेश्चन नंबर पांच लेते हैं इधर। अंडर रूट दो, अंडर रूट आठ, अंडर रूट अठारह और अंडर रूट बत्तीस। सर्वांतर ज्ञात करें। मैं सर्वांतर डी बराबर ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू और ए फोर माइनस ए थ्री करते हैं। तो ये हो गया अंडर रूट आठ माइनस अंडर रूट दो, अंडर रूट अठारह माइनस अंडर रूट आठ और अंडर रूट बत्तीस माइनस अंडर रूट अठारह। अंडर रूट आठ का वैल्यू होती है दो, अंडर रूट दो माइनस अंडर रूट दो। ऐसे ही अंडर रूट अठारह की वैल्यू होती है तीन अंडर रूट दो, ऐसे निकाल सकते हैं हम। अंडर रूट अठारह के गुणनखंड करते हैं दो यानी गुणा तीन गुणा तीन, तो तीन का एक युग्म बनता है तीन, हमने यहां लिख लिया और इस दो पर अंडर रूट लगा रहेगा। ऐसे ही दो का करते हैं दो गुणा दो गुणा दो का अंडर रूट करते हैं, तो इन दो का एक युग्म बनता है, यहां तीन अंडर रूट दो हो जाएगा, ये दो अंडर रूट दो हो जाएगा। ऐसे अंडर रूट बत्तीस है तो ये चार अंडर रूट दो हो जाएगा, तो तीन अंडर रूट दो माइनस अंडर रूट दो, दो अंडर रूट दो और इधर ये चार अंडर रूट दो माइनस तीन अंडर रूट दो। जब इनका सर्वांतर ज्ञात करेंगे तो दो अंडर रूट दो में से एक अंडर रूट दो माइनस करते हैं तो अंडर रूट दो प्राप्त होगा। ऐसे ही यहाँ भी अंडर रूट दो प्राप्त होगा और इसी प्रकार यहाँ भी अंडर रूट दो प्राप्त होगा। तो सभी पदों में सर्वांतर डी बराबर अंडर रूट दो है, अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी है। तो अगले चार पद निकालते हैं। तो अगले चार पद बराबर ए फाइव बराबर ए फोर प्लस डी, ए फोर है इसमें अंडर रूट बत्तीस प्लस अंडर रूट दो बराबर अंडर रूट बत्तीस का मान है चार अंडर रूट दो प्लस अंडर रूट दो बराबर पांच अंडर रूट दो। ऐसे ही ए सिक्स बराबर ए फाइव प्लस डी, ये हो गया आपका पाँच अंडर रूट दो प्लस अंडर रूट दो तो हो गया छः अंडर रूट दो और ए सेवन बराबर ए सिक्स प्लस डी छः अंडर रूट दो प्लस अंडर रूट दो तो हो गया सात अंडर रूट दो और ए एट बराबर ए सेवन प्लस डी बराबर सात अंडर रूट दो प्लस अंडर रूट दो तो हो गया आठ अंडर रूट दो। अब इनको फुल अंडर रूट में लिखना चाहें तो दोनों का स्क्वायर करें और फिर अंडर रूट लगाएं, तो छः का स्क्वायर पाँच का स्क्वायर पच्चीस और अंडर रूट दो का स्क्वायर दो, तो पच्चीस गुणा दो करने पर पचास, पचास का अंडर रूट होगा। ऐसे छः का स्क्वायर करें छत्तीस और अंडर रूट दो का स्क्वायर करें तो दो, छत्तीस गुणा दो करेंगे तो बेहतर प्राप्त होगा।
75 पर अंडर रूट लगा लें। ऐसे ही 7 का स्क्वायर करें तो 49 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 तो 49 गुणा 2 करें तो 98 प्राप्त होगा, 98 का अंडर रूट प्राप्त होगा। और 8 का स्क्वायर करें 64 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 64 गुणा 2 अंडर रूट 128 प्राप्त होगा। इस प्रकार अगले चार पद आए हमारे अंडर रूट 72 नहीं अंडर रूट 50, अंडर रूट 72, अंडर रूट 98 और अंडर रूट 128 प्राप्त होते हैं। और वीडियो में आखिर तक कुछ आगामी क्वेश्चन देखते रहेंगे और आगे लिए चलते हैं हम आपको वीडियो पार्ट नंबर 52 में हम इस क्वेश्चन के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त, थैंक यू।